आज हम दिखाएंगे आपको प्रेस रोल से बैटिंग कप कैसे निकालेंगे जाम वाले। इसको पहले रखना है और धीमी धीमी चोट मारना है इस पे। नहीं, इसको मारेंगे ये आसानी से निकलेगा, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये निकल रहा है, ये निकल गया। ये देखिए, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। और ये आगे हम दिखाएंगे इसको कि सेटअप कैसे करेंगे। ये हमारा एसेंटिक शाफ्ट है और बाद में चलाइएगा। ये ओल्ड हो गया, पुराना, यानी कि अभी हम नया रोल में सेट करेंगे वो आप। ये संभल करने के लिए ये हो गया कवर, प्रेस रोल कवर। ये हो गया बैरिंग, देखो बैरिंग, ये बैरिंग कवर, ये एक्सप्रेसर रिंग और ये सरक्लिप। ये हो गया सरक्लिप, इसको बोलते हैं सरक्लिप। और ये नया वाला हमारा प्रेस रोल है। सबसे पहले इसमें ये बैरिंग कप ठोका जाता है। बैरिंग कप ठोकने के बाद एक सेंटर लेना होता है ताकि हमारा एक बैरिंग कवर और ये ऊपर का कवर दोनों एडजस्ट हो जाए। बैरिंग कवर एक ठोकने के बाद, ये देखिए, एक कवर एक बैरिंग हम लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे एक्सप्रेसर रिंग। ये एक्सप्रेसर रिंग है, इसके अंदर हम डाल दिए। अब एक्सप्रेसर रिंग डालने के बाद में दूसरा बैरिंग कवर डाल, बैरिंग वाले रिंग डालेंगे। ये बैरिंग कप है, ये दूसरा डालेंगे। ये देखिए, छोटा हथौड़ी से ध्यान से मारना है ताकि ये क्रैक ना हो। और बैरिंग अपना अपना हिसाब से डालना चाहिए, जो बैरिंग का क्वालिटी आपको जैसे लगे, तो अपना सबका चॉइस होता है कैसे क्या डालना है। बाकी सारा बैरिंग एक ही तरीका से लगाता है, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरिंग का नंबर चेंज हो सकता है मशीन के हिसाब से। ये मेरा सुपर स्टैंडर्ड है, फास्ट टर्न वाली। ये अपना जगह पे जाके फिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम उसको निकालेंगे। ये निकालने के बाद इसमें आप डालेंगे बैरिंग, दूसरा वाले सेकंड बैरिंग। ये बैरिंग हो गया, उसके बाद बैरिंग कवर। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तब जाके आपको पता चलेगा। लंबा वीडियो से घबराना नहीं है। ये इसको बोलते हैं बैरिंग कवर। ये बैरिंग कवर डाल दिए, उसके बाद डालेंगे सरक्लिप। उसमें देख लेंगे कभी भी, ये जो है सरक्लिप का ये गैप होता है, यहीं पे इसी में आके सरक्लिप फंसता है। ये चीज़ हमेशा देख के हमको ही लगाना चाहिए। अगर ये ऊपर रहेगा तो सरक्लिप आपका बैठेगा नहीं, और नीचे अगर ज़्यादा ठोक दीजिएगा तो डाउन हो जाएगा। इसलिए स्प्रेसर रिंग कभी भी डालते समय दोनों का डिस्टेंस देख के ही डालना चाहिए, ना कि छोटा ना बड़ा, जो सेम चीज आपको दोनों तरफ आपस में बराबरी करके लगे, ताकि हमारा प्रेस रोल लूज ना हो और ना ढाक रहे। अगर क्या होता है, लूज डालने से प्ले हो जाता है और यही रोल सीज करने का कारण बन जाता है, इसीलिए ध्यान से। एडिंग फंसाने का तरीका भी देख लीजिए कैसे है, आराम से एक हाथ से दबाना है, एक मुंह अंदर पहले फंसा के थोड़ा हाथ हटा क्लियर करके दबाओ, इसको फिर दबा देना है। ये बैठ गया,
बस ये फिटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कवर डालेंगे, ये कवर डाल दिए, उसके बाद हम इसको एसेंटिक शाफ्ट को उस पर रख देना है। और कभी भी डालेंगे तो इसको ऐसे प्ले करके देखना कि ये फ्री मूव कर रहा है कि नहीं, ये फ्री मूव करना चाहिए। इस पर हम डालेंगे एसेंटिक शाफ्ट। शाफ्ट कैसे डालेंगे, ये पूरा सेंटर करके एसेंटिक शाफ्ट डालना है, इसको बोलते हैं एसेंटिक शाफ्ट। अब क्या करना है, एसेंटिक शाफ्ट डालने के बाद ये कोई दूसरा रोल पे रखने के बाद इस पर कोई लक्कर रख के ही घन से मारना है और ये आसानी से बैठ जाएगा इसके नीचे। दिखाते हैं इसमें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और कोई चीज़ ऐसा जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम रिप्लाई आपको दे सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो कमेंट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब डालेंगे ये वाला, आगे वाले कवर भी डाल देंगे सेम इस साइड से भी, दोनों तरफ सेम कवर डाला जाता है। डालने के बाद हम जब तक इसको चेकनट टाइट करेंगे, ये हमारा हिलाने के बाद प्ले नहीं रहना चाहिए और ये बिल्कुल मूव करना चाहिए, ये पूरा टाइट नहीं होना चाहिए। डाला, कवर डालिए इसमें। जो चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको समझा देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी उतना बड़ा कैमरा नहीं है जो आसानी से बना, क्योंकि मोबाइल से हम बनाते हैं। ये चेकनट है, कोई कोई में स्टार क्लिप भी होता है, इसमें स्टार क्लिप नहीं है इसलिए डबल चेकनट डालते हैं। एक चेकनट ये है, अगर स्टार क्लिप रहता तो एक ही चेकनट होता है। और चेकनट को उतना ही टाइट करेंगे जो कि हमारा प्ले ना हो और ये जाम भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि ज़्यादा टाइट कर देने पे जाम भी हो जाता है, इसीलिए वो देख के हमेशा टाइट करना चाहिए। ये चेकनट है सेकेंड इसमें, क्योंकि इसमें स्टार क्लिप नहीं है, स्टार क्लिप होता तो एक ही चेकनट पे काम चल जाता। इसी प्रकार से आप प्रेस रोल असेंबल कर सकते हैं। मूव कर रहा है पूरा, इसी तरह मूव करना चाहिए। थैंक यू दोस्त।